गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर टू, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, सर्का 600 BCE टू 600 CE। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सी, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ये विकास कौन कौन से थे, इन्हें समझना आवश्यक है। तो इनमें सबसे पहला है कि इन उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया, ये आपको नोट करना है। इसके साथ ही उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। इनमें महापाषाण नाम के विशाल पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे भी मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कंपोज बाय पीपल। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। There is evidence of pastoral population, new modes of disposal of the deads, including the making of the elaborate stone structures known as megaliths. The deads were buried with a rich range of iron tools and weapons. आगे जब हम इसको देखते हैं तो इसके अलावा कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों को समझना भी आवश्यक है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं और इनमें सबसे प्रमुख जो थे वो आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो इस प्रकार से ये कुछ विकास, कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखे गए हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। ये एक प्रश्न बनता है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे स्रोतों में अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। Historians attempt to understand these developments by drawing on a range of sources, that is inscriptions, text, coins and visual materials. So this way we can understand the introduction of this chapter, that what kind of developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization। कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में किस प्रकार के विकास हुए। प्रश्न 2 अंकों का, 4 अंकों का या 8 अंकों का भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंदु नंबर 1,
प्रिंसेप और पियदर्शी, प्रिंसेप एंड पियदर्शी। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिंसेप कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप का इतिहास में क्या योगदान है, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था और इन अभिलेखों में लिखी गई लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और समझा और उसी के आधार पर एक ऐतिहासिक जानकारी सबके सामने रखी। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंसेप को जब पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर पियदर्शी शब्द का इस्तेमाल अशोक के लिए किया गया है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यहाँ एक नया शब्द दिया हुआ है, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कभी कभी ये प्रश्न एक अंक के लिए पूछ लिया जाता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। चूंकि अभिलेखों की चर्चा चल रही है इसलिए हमें ये समझना है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्था को दिए गए दान का ब्यौरा होता है, यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं क्योंकि ये नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ तमिल पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अंग्रेजी में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन मेटल और पॉटरी। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स और डोनेशंस मेड बाई वुमन एंड मैन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स सम ऑफ विच कैरी डेट्स अदर आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद ए फेयर अमाउंट ऑफ प्रीसीजंस। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड नेम फॉर लैंग्वेजेस यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल नेम्स ऑफ रूलर सच एज अजातशत्रु एंड अशोका। नॉन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस have been spelled in their Prakrit form in this chapter. You will also find term in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit which too were used to write inscriptions and texts. It is possible that people spoke in other languages as well even though these were not used for writing.
तो इस तरह से हमने पाठ का परिचय और दो नए शब्दों को अभी समझा। अब हम बात करेंगे बिंदु नंबर दो की, प्रारंभिक राज्य। और इन प्रारंभिक राज्यों में पहला बिंदु होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि जनपद का अर्थ क्या है और महाजनपद किसे कहते हैं। तो आप अपने दाहिने तरफ यहाँ देख पा रहे हैं कि जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अंग्रेजी में हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, जनपद मीन्स द लैंड वेयर ए जना, ए पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट और सेटल्स। इट इज ए वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। ये तो अर्थ हुआ जनपद का, लेकिन चूंकि हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है तो महाजनपद किसे कहते हैं। तो महाजनपद अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदाज बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदाज। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद धीरे धीरे ज़्यादा ताकतवर हो गए और वे जनपद के स्थान पर महाजनपद कहलाने लगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न के बारे में बता दूं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्यों? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ऐसा क्यों, इसके क्या कारण हैं? तो इसके कारणों को समझने के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो ये दो अंकों के लिए कम से कम ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक अंक के लिए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे विशेष तौर से पढ़ेंगे कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। कारण सामने है, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। दो अंकों के लिए आप इतना उत्तर लिख सकते हैं। The 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. Why? Because it is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse system of thoughts including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mentioned amongst other things 16 states known as Mahajanpadas. अब हम आगे बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जिन महाजनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है उनका जिक्र करेंगे। ध्यान रहे, महाजनपदों की कुल संख्या 16 बताई गई है। हालांकि इन महाजनपदों के नामों की जो सूची है वो सभी जगह एक समान नहीं है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो प्राय सभी जगह मिलते हैं। अब मैं आपको एक और
प्रश्न के बारे में बता दूं, महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आता रहता है। What were the features of the महाजनपदाज? तो यहाँ आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। Most महाजनपदाज were ruled by kings। इसके बाद प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घिरा जाता था। Each महाजनपदा had a capital city which was often fortified। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources। लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। From 6th century BC onward, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the Dharma Sutras। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और ये अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। These laid down norms for rulers as well as for other social categories whose were ideally expected to be क्षत्रियाज। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans। So this way these were the features of the महाजनपदाज। This is very very important question that you have to prepare for exam purpose। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। 16 महाजनपदों में से एक मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, कैसे? मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना, यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान से इसका उत्तर समझने के लिए आइए पेज नंबर 31 पर हम पढ़ते हैं। छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार में है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, अर्थात यहाँ पैदावार अच्छी होती थी। खेती की जमीन उपयुक्त थी इसलिए यहाँ पर उपज अच्छी होती थी। दूसरा कारण बताते हैं कि यहाँ लोहे की खदानें, जो आधुनिक झारखंड में है, वो आसानी से उपलब्ध थी, जिसके कारण उपकरण और हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे। जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। इसके अलावा जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध के शक्तिशाली होने के कुछ और भी कारण बताए हैं, जिसमें विभिन्न शासकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। इन लेखकों ने बताया कि बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे, जिसके चलते मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बना। यहाँ बगल में ये जो प्रश्न देख पा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है और इसका उत्तर लगभग आपके साथ दिया हुआ है, इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। इसी को मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट अमोंगस डी 16 मगधा।
वाई मगधा बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज. नंबर वन, मगधा वाज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव. सेकेंड इज आयरन माइंस इन प्रेजेंट डे झारखंड वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. Elephants, an important component of the army, were found in forest in the region. Also, the Ganga and its tributaries provide a means of cheap and convenient communication. Early Buddhist and Jain writers who wrote about Magadha attributed its power to the policies of individuals. Ruthlessly ambitious kings of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies were the cause for the becoming the most powerful Mahajanapada. So this way the answer is complete about this question, that how Magadha became the most powerful Mahajanapada. Now, moving next, प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, वो मगध की राजधानी थी. ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी. इस शब्द का अर्थ क्या है? राजाओं का घर. पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक क्लेवंद शहर था. बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है. ध्यान दें, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, जिसे अब पटना कहा जाता है. पहले मगध की राजधानी राजगाह या राजगीर हुआ करती थी, और अब राजधानी चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र बनाई गई, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जिसका गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था. इनिशियली राजगाह द प्राकृतिक नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगधा. इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मींस हाउस ऑफ द किंग. राजगाह वाज ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमोंगेस्ट हिल्स. लेटर इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे नोन एज पटना. कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग दी गंगा. यहाँ ये प्रश्न पूछने योग्य हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखेंगे कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, राजगाह शब्द का क्या अर्थ था, और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, या पटना का पुराना नाम क्या था. इस तरह से किसी भी प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है. यहाँ आप राजगीर के किले की दीवार देख रहे हैं और एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया होगा. तो मैं एडिशनली आपको यहाँ पे बता दूं कि वाई फोर्ट्स वर बिल्ट. फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन. इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो किलेबंदी क्यों की जाती थी, इसके कुछ विशेष कारण मैंने अभी आपको बताए. सबसे पहले दूसरे राजाओं से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती थी. किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखा जाता था. किले बनाने के साथ ही शासक अपनी ताकत, अपनी सत्ता और अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे, इसलिए उस जमाने में किलों का निर्माण किया जाता था. इस प्रकार हमने अभी पाठ का परिचय, बिंदु नंबर एक प्रिंसेप एंड पियदसी, बिंदु नंबर दो द अर्लीस्ट स्टेट्स, अंडर दैट द 16 महाजनपदास, नेम ऑफ 16 महाजनपदास,
and how the Magadha became the most powerful Mahajanpada. These points we were discussed and tried to understand. In the next portion, we will understand the point number 3, that is an early empire.